आज हम हरी मिर्ची के पकोड़े बनाएंगे। पहले से हमें धो के अच्छे से पोंछ लेना है। उसके बाद हमें थोड़ा सींगदाने को भुनना है। भुनने के बाद इसका छिलका जो है अलग कर देंगे। मूंगफली हमारे भुन गए हैं, इसको हम इसमें कोटेंगे। इसको बारीक नहीं कोटना है, थोड़ा मोटा ही कोटना है। इसी तरीके से सारा हम कोट लेंगे। मूंगफली हमने दरदरा कोट लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम धनिया डालेंगे, लहसुन डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसे हम तैयार करेंगे और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको भी कूटेंगे। ये हमारा कूट के तैयार है। इसको अब हम मिक्स करेंगे और एक नींबू का रस लेंगे, इसको भी इसमें निचोड़ेंगे और इसको अब हम मिक्स करेंगे। अब हम मिर्ची को ऐसे के बीच में से चीरा लगा लेंगे। सारी मिर्ची को ऐसे बीच में से चीरा लगा, इसके बीच को निकालना नहीं है क्योंकि ये तीखी मिर्ची नहीं है। आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। ऐसे हमें सब चीरा लगा लेना है। अब जो हमने ये बैटर तैयार किया था, अब इसको इसके अंदर हम भरेंगे स्टफिंग को इस तरीके से। दूसरा भी ऐसे ही करेंगे यही प्रोसेस से। सब इसी तरीके से तैयार करेंगे। एक बड़े बर्तन में हम बेसन डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसका गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से हम सब मिर्चियों की फिलिंग कर लेंगे। इसके बाद हम गैस गरम करेंगे और इसमें गैस जला के कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। और हमने अपना बेसन घोल के तैयार किया है। इस तरीके से हम इसमें बेसन लगाएंगे। इसी तरीके से बाकी सब भी हम तल लेंगे। इस तरीके से हम इसको बेसन में लपेट के हमारा तेल गर्म हो गया, इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से हम इसे गोल्डन करेंगे। ये हमारा गोल्डन हो गया है, इसको अब हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने सारे पकौड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही यम्मी है और क्रिस्पी भी है। जो आपने मूंगफली डाली है उसका भी बहुत क्रंची और क्रिस्पी वाला टेस्ट आ रहा है। और इसको जो डीप फ्राई किया वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय बाय।